नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में कल आपने वॉलेटिलिटी देखी एक छोटी रेंज में, एंड एट द एंड अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं ऊपर में बंद होने में सफल होते हैं। डाउ जोन्स लगभग 50 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब होता है, लेकिन असली मूव आपके लिए देखने को मिला नैस्डैक इंडेक्स में, आईटी, आप कह सकते हो आईटी स्टॉक्स की वजह से। अगर मैं नैस्डैक इंडेक्स की बात करूं तो वहां पे ऑलमोस्ट 0.5% का आपने मूव देखा ऊपर की तरफ। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 0.5% ही ऊपर था, लेकिन रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ और विक्स अमेरिका में लगभग 14% गिरकर बंद हुआ है। देखो, अमेरिका से संकेत बहुत ही पॉजिटिव मानूंगा मैं, उसके पीछे दो रीजन है। आपने देखा थर्सडे को जब उनका जॉबलेस क्लेम डेटा आया तो उसने शार्प रिएक्शन दिया, दैट मींस वो रिएक्ट कर रहे हैं कि मंदी नहीं आ रही है। जब उनका डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का आया था तो उन्होंने रिएक्ट किया कि मंदी आ रही है, लेकिन जैसे ही जॉबलेस क्लेम डेटा अच्छा आया उन्होंने रिएक्ट किया कि मंदी नहीं आ रही है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि अमेरिका जो गिरा था, जो टूटा था, वो मंदी के डर से ही टूटा था, ये कंफर्म हो चुका है। ऐसा नहीं कि जापान में येन कैरी ट्रेड हो रहा है या यूएस में जो इलेक्शंस का मामला हो रहा है उसकी वजह से गिरा हो, नहीं, वो मंदी के डर से गिरा। और जैसे ही मंदी का डर खत्म हुआ उसने जोरदार तेजी दिखाई, 700 पॉइंट बढ़ा है भाई साहब, कोई छोटी बात नहीं है। अगले दिन फिर से मिले जुले संकेत थे, सब कुछ न्यूट्रल ही था। अमेरिका में आपने एक वॉलेटिलिटी देखी ऊपर नीचे, एंड ये बहुत अच्छी बात होती है। इनफैक्ट आप अमेरिका में कल लाल निशान में खुले थे, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू ऊपर ही जाते गए हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पे पैसा आ रहा है और जिसको डर था निकलना था वो निकला भी है, लेकिन एट द एंड आपने देखा मार्केट कहीं ना कहीं हायर पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ। आपने देखा कि डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ, नैस्डैक इंडेक्स में 0.5% की तेजी थी, S&P 500 भी 0.5% ऊपर था, रसल 2000 में हल्की गिरावट थी, और विक्स, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, विक्स आपका 14.5% टूटता है। मैं आपको बता दूं विक्स अभी 20 पे आ गया है। अभी जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था ना, विक्स इनका 55 का हाई लगा के आया था, 55 से 52 का, मुझे अच्छे से याद है। मैंने वीडियो और इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी जब मैंने कहा कि अमेरिका में विक्स सिंगल डे में 55 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आपने देखा था करीब, माफ कीजिएगा, 55 में नहीं, 30 से 35 पे पहुंचा था, क्योंकि सिंगल डे में 55% का जंप आया था विक्स में। मैं यहाँ हाई देख के आपको बता सकता हूँ कि डेट के साथ किस दिन की बात है, ये आपकी बात है दोस्तों, 8 अगस्त को जहां पे 38 का हाई लगाया, 38 का हाई, अभी 20 है, ये ऑलमोस्ट आधा रह गया, आप कह सकते हो 50% डाउन है, और यहां से वहां गया था 100% जम कर गया था। तो ये दो दिन में ही विक्स जो भागा था वो दो दिन में ही टूटता हुआ दिख रहा है। अब विक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फियर का, कि कितना फियर बन रहा है और कितना फियर कम हो रहा है, कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो संकेत यही होते हैं कि फियर डेवलप हो रहा है, तो उस समय बहुत हैवी फियर बना। अभी आपके लिए हर दिन 10-10, 15-15% टूट रहा है, ये दिखा रहा है कि डर कम हो रहा है। तो अमेरिका मेरे को लगता है कि अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और अगले डेटा तक अमेरिका थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। अमेरिका ने डबल बॉटम टाइप फॉर्म किया है डाउ जोन्स पे 38,700 के करीब। जितने भी लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं मैं उनसे कहूंगा आप 38,700 या 600 का क्लोजिंग बेसिस पे एक लेवल मार्क कर लीजिए। जिस दिन उसके नीचे निकलेगा ना उस दिन समझ लीजिए फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है, और जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा तो आपके लिए अमेरिका 40,800 तक जाने के लिए तैयार दिख रहा है डाउ जोन्स पे। कितना? 40,800 तक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए, 40,800 का ही वो लेवल था जहां 31 जुलाई को क्लोजिंग बेसिस पे डाउ जोन्स ने लेवल दिखाया। उसके बाद एक शार्प गिरावट हुई 5 अगस्त को, 38,700 गया, रिकवरी में 39,000 के हाई लगते हैं, और उसके बाद फिर गिरता है और 38,760 का लो लगाता है, यानी 38,700 के करीब डबल बॉटम टाइप फॉर्म करा और फिर वहां से अपटिक दिखाई है। तो मेरे को लगता है ये 40,800 तक ऊपर में टेस्ट कर सकता है, और नीचे में आपको 38,700 का, यानी यहां से मैं एग्जैक्टली आपको बोलूं तो 700 पॉइंट का 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। 39,500 की क्लोजिंग है, वहां से 38,700 आपके लिए 800 पॉइंट होता है, 800 पॉइंट ऑलमोस्ट 2% हो जाता है, तो 2% का आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और ऊपर में जो लेवल है 40,800, यानी करीब करीब यहां से आप कह सकते हो 1300 पॉइंट तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है अमेरिका में डाउ जोन्स में। और उस मूव के बाद क्या फर्दर तेजी बनेगी वो उसके ऊपर जब निकलेगा क्लोजिंग देगा तब पता चलेगा, अदरवाइज अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इलेक्शन में जा रहे हो,
आपका एक डेटा खराब आया, एक पॉजिटिव आया, आप अगले डेटा का वेट कर रहे हो, एंड देन आपका फेड क्या करता है सितंबर में पॉलिसी में रेट कट, ये सब की उम्मीद है, कितना करेगा ये देखना है, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, आगे को लेकर क्या कमेंट करेगा। यहां से लेकर दिसंबर तक स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बनाना मुश्किल होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। आप ट्रोल कर दो अब इस लाइन पे कि भाई आप पॉजिटिव ही नहीं होते, भाई है ही नहीं माहौल पॉजिटिव, लाइक कैसे हो जाऊं, तो आपका पैसा बड़ी मुश्किल से बनेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो डटा रहेगा, रुका रहेगा, गिरावट में लेता रहेगा, उसका पैसा बनेगा और बड़ा बनेगा। हाँ, बनेगा 1 से 2 साल में, एकदम नहीं बन जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो ये जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ना इस साल के, इसमें आप गिरावट में, आपने बस ये सोचना है मैंने पैसा लगा, आप ये मत सोचो मैंने कितना कमाना है, आप ये सोचो मैंने कितना लगाना है। आप बस करंट वैल्यू मत देखो, आप बस इन्वेस्टेड वैल्यू देखो। पोर्टफोलियो में दो वैल्यू दिखती है ना, इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू, ऊपर नीचे हो रही है वो करंट है, उसे मत देखो। आपको मेरा 1 लाख रुपए मुझे बाजार में लगाना है, मुझे हर गिरावट में लगाना है, उस 1 लाख को मैंने इस दिसंबर तक लगाना है। अब उसके लिए आपको सोचना है कि कब कब लगाना है, ये मत सोचो और गिरेगा और बढ़ेगा, आप सोचो बस मुझे लगाना है, दैट्स इट, ये आपका पर्पस होना चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।